आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जो कि हमारा युवा का सफर ऐसे ही बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है आप लोगों के साथ। तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ तहे दिल से। तो आज हम ये जो हमारा संडे डिस्ट्रीब्यूशन चलता है खाने का, तो आज हम लोग बनाएंगे तहरी, हैदराबादी तहरी जो होता है, स्पेशलिटी है वहाँ का हैदराबाद का, तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है, अलग टेस्ट आता है, तो हम लोग आज वो ट्राई करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले संडे हम लोगों ने बिरयानी बनाया था, तो उसका वीडियो आप हम लोगों के चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हो रहा है प्याज कटिंग। तो प्याज कटिंग के साथ साथ वहाँ पे हम लोग का और बाकी भी काम होते जा रहा है। इधर हम लोग देखेंगे कि हर काम एक बारीकी तरीके से अच्छे से हो जाए, कि ताकि हम अच्छे से अच्छा खाना आदमी को हम लोग खिलाएँ। यहाँ पे प्याज कट चुके हैं और आलू कट रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको तहरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो तहरी का स्टार्ट है यहाँ पे आयुर्वेदिक के थ्रू हुआ था, जो आयुर्वेदिक खाना होता है तो उसमें जो सब्जियाँ वगैरह पड़ती हैं, इस वजह से तहरी को बनाया गया। और इसकी शुरुआत 1200 ईस्वी में हुआ था, और इसको हम लोग तपहरी बोलते हैं। तपहरी एक शब्द है संस्कृत का, जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो खूबी है इसी के लिए है कि जो भी पेशेंट होते थे पहले के टाइम में, तो इसमें ये चीज़ इन्ग्रीडियंट ऐसा ऐसा होता था कि जो सब चीज़ में फ़ायदा करता था। हेल्थ इशू हो गया, जैसे वेजिटेबल हो गया, तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोग फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसमें वेजिटेबल, सोयाबीन वगैरह सब डाल के बना रहे हैं। जो कल्चर है हम लोगों का, जो कल्चर फॉलो किया जाता है असल में तहरी का, तो वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ में। इसमें हो गया टमाटर, हो गया वेजिटेबल्स वगैरह, जितना भी ये चीज़ है नॉर्मली वो पड़ेगा इसमें, और आगे आप लोगों के साथ हम लोग सब कुछ शेयर करेंगे। देखिए आप लोग, हम लोगों का काफ़ी काम खत्म हो चुका है, तो हम लोग बस अब कटिंग का लास्ट स्टेज चल रहा है हम लोगों का। यहाँ पे टमाटर हम लोग का कट हो रहा है, यहाँ पे आलू प्याज सोयाबीन वगैरह सब कुछ फ्रेश टू के तैयार है। तो जैसे ही हम लोग का कटिंग का काम पूरा खत्म हो जाएगा, हम लोग आगे का कुछ काम करेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। थैंक यू। खाना बनाना शुरू कर रहे हैं और हम ये अब तेल डाल रहे हैं, जरा देखिए। सोयाबीन हमारा इसमें डल चुका है जो फ्राई हो रहा है अभी, इसको हम लोग घी में आज में पूरा अच्छे से फ्राई करना है ब्राउन होने तक। जब तक ये ना पूरा ब्राउन हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे। निकालने के बाद हम लोग आगे का जो भी प्रोसीजर है प्याज भूनना वगैरह, तो वो आगे होते रहेंगे इसके साथ। तो ये हमारा जा रहा है मसाला, जिसमें कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेजपत्ता भी है। तो इसको अच्छे से हल्के धीमे आँच पर इसको भूनना है थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग आए इसमें प्याज वगैरह सब फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो जा रहा है हम लोग का प्याज, इसमें प्याज फ्राई हो गया, इसके साथ हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन पाउडर, इसके साथ हम लोगों को फ्राई करना है। इससे क्या होता है कि टेस्ट पूरी अच्छे से पकड़ लेता है इसमें, तो इसके साथ में हम लोगों को फ्राई करेंगे। ये है टमाटर जो जा रहा है हमारे इसमें, तो थोड़ा सा थिकनेस आएगा, इसके फ्लेवर आएगा। जो टमाटर हम लोग डालते हैं इसमें थोड़ा सा खट्टापन जो आता है, जो खट्टापन आता है थोड़ा सा हम लोग का फ्लेवर इन्हेंस होता है इसमें टमाटर के बाद। जो भी हमारा ये पाउडर वाला मसाला, जैसे धनिया पाउडर मसाला, गर्म मसाला, ये सब इसमें अब जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अब रेडी करते हैं वो मसाले को, और इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे ये धनिया पाउडर। तो हम अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो ये धनिया पाउडर जा रहा है इधर में, और ये है हमारा काला मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर। ये है जीरा पाउडर, अब इसमें जाएगा हमारा नमक स्वाद अनुसार, जो है यहाँ पे जाएगा स्वाद अनुसार लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इसमें हल्का सा तीखापन और कलर भी इन्हेंस होता है हमारी साड़ी का। यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे आलू। आलू इसमें हल्का सा हमें फ्राई करने के लिए छोड़ेंगे, अच्छे से पकने के लिए आलू को हम लोग इसमें डालेंगे पानी, प्रॉपर अच्छे से पक गया। आलू हमारा आधा पक चुका है,
अब इसके बारे में इसमें डालेंगे सोयाबीन। तो सोयाबीन को हम लोगों ने पहले फ्राई कर दिया था, हम लोग का सोयाबीन आप फ्राई करें और आधा इसमें पकाया जाता है। फिर हमारा ये जो मसाला रेडी हो चुका है, आलू उसमें डल चुका है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। और इसके बाद हम इसके साथ ही डालेंगे ये पुदीने का पत्ता वाला धनिया, हरा धनिया पत्ता, आलू, यहाँ पे हमारा खाना बनाने का जो भी काम था पूरा कम्प्लीट हो चुका है। दही आज हम लोगों ने बनाया, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता चुका है। यहाँ पे अब ये यहाँ पे हम लोग अब पैकिंग करेंगे, पैकिंग का काम यहाँ पे चालू हो चुका है। शायद सारा जो बॉक्स है इसमें सारा ये पैकिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन करने। चलिए चलिए।